नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम अ सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत में जो भी कारखाने हुए थे या फैक्ट्रीज हुई थी, उसके पश्चात वो जो कन्वर्ट हुए प्रेसिडेंसी में, उसके पश्चात जो बाद में प्रांतों के रूप में सामने आए, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में लेक्चर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिश भारत में और उन्होंने किन किन स्थानों पर अपनी फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश की, जो कि मेनली कंसंट्रेट थे कोस्टल एरियाज पे फॉर द ट्रेडिंग पर्पस के लिए। उसके पश्चात उसमें से जो प्रमुख प्रेसिडेंसी के रूप में उभर कर 3 क्षेत्र रहते, जिसमें बंगाल और उसके पश्चात मद्रास और उसके पश्चात बॉम्बे, इनके बारे में डिस्कस किया था। इनकी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ था, साथ साथ फोर्ट विलियम और फोर्ट डेविड के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम बाकी जो प्रांत बने थे प्रेसिडेंसी, बेसिकली प्रांत में कन्वर्ट हुए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज नोटिफिकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पारंपरिक रूप से जो भी फैक्ट्रीज और ट्रेडिंग पोस्ट एस्टैब्लिश हुए थे, वो बेसिकली जो प्रेसिडेंसी के बाद प्रांतों में जो कन्वर्ट हुए, वो 3 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1612 और 1757 ईस्वी के बीच, जो भी 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उससे पहले, और 1612 जो कि फर्स्ट एज ए मेजर फैक्ट्रीज के रूप में सूरत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो उनके बीच में मुगल सम्राट और स्थानीय जो लोकल रूलर थे, शासक थे, उनकी सहमति से कई स्थानों पर कारखाने एस्टैब्लिश किए गए थे, क्योंकि जो कोस्टल एरिया तटीय भारत में ही कंसंट्रेट थे। तो जैसे डिस्कस किया कि 3 प्रेसिडेंस के रूप में जो मद्रास बॉम्बे कलकत्ता में उनका आकार में वृद्धि हुई। दूसरा जो पीरियड हम मान सकते हैं वो 1757 से 1858 ईस्वी के मध्य मान सकते हैं। 1858 ईस्वी में जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, उसके पश्चात जो सारे अधिकार थे राइट थे वो क्राउन को सौंप दिए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिश कर दिया गया था। तो इस पीरियड के दौरान जो भी फैक्ट्रीज थी, जैसा भी डिस्कस किया, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, वो प्रेसिडेंसी के रूप में इस पीरियड में उभर के आए थे। और उसके पश्चात जैसे कि ये डिस्कस किया कि 1858 में जो शक्तियां हैं क्राउन को, यानी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी, और इस राज के दौरान कई जो प्रेसिडेंसी थी प्लस उनको जो डिवाइड करके कई प्रांतों में इनको बनाया गया था। तो इस तरीके से अब पहले 3 जो प्रेसिडेंसी डिस्कस किया, उसके पश्चात जो प्रमुख रूप से प्रांत आए थे उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सूरत प्रेसिडेंसी का निर्माण कैसे हुआ था। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं इस मैप में कि जो ये सूरत एरिया है, कोस्टल एरिया और गल्फ ऑफ खंभात में इसकी जो कोस्ट शेयर करता है, तो यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बेसिकली फर्स्ट फैक्ट्री की बात करते हैं तो सूरत में ही एस्टैब्लिश हुई थी। और वेस्टर्न इंडिया का उस समय ये मेजर एक सेंटर हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसके पश्चात जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी तो ये जो हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गए बॉम्बे चला गया था। तो सूरत प्रेसिडेंसी से जुड़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि 1608 और 1609 के मध्य सूरत में सबसे पहले अंग्रेजी फैक्ट्री का एस्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली एक ट्रेडिंग पोस्ट था और फाइनली जब 1612 ईस्वी में इसको एक कारखाने के रूप में इसको तब्दील हुआ था, और 1616 ईस्वी में ये भारत में अंग्रेजी मुख्य कारखाना बना था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेजर ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बोला जाता है पूरे ऑल इंडिया में, वो 1616 में सूरत उभर के आया था। 1658 ईस्वी में इसको प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1658। आप मान सकते हैं कि जब 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार थे क्राउन को सौंप दिया जाता, तो उससे 200 साल पहले इस तरीके से याद कर सकते हैं 1658 ईस्वी में सूरत प्रेसिडेंसी की इसको दर्जा दिया गया था। और 1668 और 1685 ईस्वी में बॉम्बे जो एक धीरे धीरे सिटी डेवलप हुआ था, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये पहले एक आइलैंड था, उसमें उसको फिर जो एक डील के तहत प्रिंस विलियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के सालाना रेंट पर सौंप दिया था, तो जो बॉम्बे था उसको इस पीरियड के दौरान सूरत के अधीनस्थ यानी सूरत के सबॉर्डिनेट रखा गया था 1668 और 1685 ईस्वी के मध्य। उसके पश्चात 1685 से 1703 ईस्वी के मध्य सूरत को बॉम्बे के अधीनस्थ कर दिया गया था। उस समय बॉम्बे एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में धीरे धीरे उभरने लगा था, और 1687 ईस्वी में ही बॉम्बे प्रेस जो
पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीटें मैंने डिस्कस किया था, जैसे कि मेजर ट्रेडिंग सेंटर जो मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ करता था वेस्टर्न इंडिया का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि सूरत में स्टैब्लिश था, उसको शिफ्ट कर दिया जाता है बॉम्बे में। ये टाइम आता है 1687 में, और 1688-1690 ईस्वी के मध्य जब औरंगजेब का शासन हुआ करता था उसमें, इस पीरियड में वो जो सूरत है वो मुगल शासन के अधिपत्य था, मतलब मुगलों ने यहाँ पर थोड़ा कम समय के लिए कब्जा कर लिया था, और 1703 ईस्वी में फाइनली सूरत को मर्ज किया था बॉम्बे। तो यहाँ से जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पूर्ण रूप से जो फंक्शनिंग आती है वो 1703 ईस्वी में आती है, जब सूरत को फाइनली बॉम्बे में शामिल कर दिया, जो 1703 से बॉम्बे एक फुल फ्लेज प्रेसिडेंसी के रूप में वर्क करने लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस तरीके से सूरत प्रेसिडेंसी का गठन कैसे, उसके से जुड़ी हुई कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, आगरा प्रेसिडेंसी, जैसे कि यहाँ पर जान लेते हैं कि जो आगरा है एक उत्तर प्रदेश का मेजर सिटी है, और इसकी बाउंड्री जो शेयर होती है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से आगरा की बाउंड्री शेयर होती है। और आगरा प्रेसिडेंसी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रिटिश भारत के पश्चिमी उत्तर प्रांतों में से एक था आगरा, और ब्रिटिश सरकार अधिनियम 1833 के जो प्रोविजन के अंतर्गत 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो भारत सरकार अधिनियम या 1813 दे सकते हैं, 33-53, 1828 इस तरीके से दे सकते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट कर सकते हैं। तो ये 1833 के तहत ही इसका गठन किया गया था, और इसका फाइनली जो गठन हुआ 1834 में, इसको आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो गवर्नर नियुक्त हुए थे सबसे पहले आगरा के, और सर सी.पी. मेटकॉफ इनको गवर्नर के रूप में, आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1835 ईस्वी में एक साल जो काउंसिल थी उसने एक अन्य अधिनियम पारित किया था, और उसके तहत ही इसकी जो नाम है वो बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कर दिया गया था। तो इस तरीके से आगरा प्रेसिडेंसी का काम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के रूप में बदला गया था, जो 1835 का उसके तहत थे। और इसको कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वो अलग है जो इस समय पाकिस्तान का पार्ट था, ये आगरा प्रेसिडेंसी को नाम दिया था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। और जब ये नाम इसको परिवर्तित किया उस समय जो इसकी जो अथॉरिटी थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा इसको शासित किया जाता था, और आगरा प्रेसिडेंसी फाइनली 1836 में अस्तित्व में नहीं रह गई थी, यानी इसको अबोलिश कर दिया गया था 1836 ईस्वी में ही। इस तरीके से जो आगरा प्रेसिडेंसी का एक लाइफ जान सकते हैं तो वो दो साल के आसपास ही रही थी, 1834 ईस्वी में इसको गठन किया गया था, 1836 ईस्वी में इसको अबोलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट जो बात करते हैं असम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, तो ये इसका मैप है असम, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इसकी बाउंड्री है वो अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं तो शेयर करता है भूटान से और वहीं बांग्लादेश से, और साथ ही साथ इसकी और बाउंड्री है जो इंडियन स्टेट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से इसको शेयर करती है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि 1824-1826 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था, जबकि फर्स्ट बर्मीज वार की बात करते हैं यानी एंग्लो बर्मा वार जो हुआ था वो 1824-26 पीरियड के दौरान ही हुआ था। इससे पहले जो असम का मेजर पार्ट है ये बर्मा यानी म्यांमार जो इस समय का है उसी रेंज के अंतर्गत, उसी रीजन के अंतर्गत इस पर आता था। तो 1824-26 में जब ब्रिटेन द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया था, एंग्लो बर्मा वार जब समाप्त हुआ था और यंदबो की संधि हुई थी जिसके तहत बर्मा द्वारा असम ब्रिटेन को सौंप दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है 1826 में यंदबो की संधि। 1826 से जब ये असम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया तो 1826 और 32 के बीच में जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था उसके हिस्सा बनाए, उसको सबॉर्डिनेट रखा, और इसमें थोड़ी समय तक के लिए यहाँ प्रिंसली जो राइन है वो स्टैब्लिश भी हुआ था 1832 से 1838 ईस्वी तक, इसे रियासत जो इसमें एक प्रिंस हुआ करता था उसको सब मतलब संक्षेप रूप में उसको बहाल किया गया था, और फाइनली फिर बाद में भी 1838 के बाद 1874 ईस्वी तक फिर से इसको बंगाल प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। उसके पश्चात जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल डिवीजन का एक प्रोग्राम रखा था जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी तक इसको डिवीजन के तौर पर रहा था, और ये जो असम है वो
ईस्ट बंगाल यानी पूर्वी बंगाल के हिस्से में आया था, और जो कि पश्चिम बंगाल जो कि इस समय हमारा एक राज्य है, स्टेट है, और उसको और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के रूप में डिवाइड किया गया था। और ये जो असम है वो पूर्वी बंगाल जिस समय बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है उसका एक पार्ट हुआ करता था। ये 1 अप्रैल 1912 तक था। इसके पश्चात जैसे हम जानते हैं कि 1 अप्रैल 1912 को ही एक जो गवर्नर जनरल बन के आए थे होर्डिंग, उनके द्वारा जो हमारी कैपिटल है उस समय कोलकाता हुआ करती थी, वो शिफ्ट करके बॉम्बे आए, और उस समय जो बंगाल प्रांत पूरा था उसको डिवाइड कर दिया गया था, और उसमें से एक असम प्रांत अलग हुआ था जिसमें बिहार और उड़ीसा भी अलग प्रांत थे। तो 1 अप्रैल 1912 को असम प्रांत बना था फाइनली। 1944 ईस्वी में ही यहाँ पर जापानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास टाइम है कि जापान द्वारा यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था, और ये जो आजाद हिंद फौज थी उसके कब्जे में भी रहा था 1944 ईस्वी में। फाइनली जब जापान युद्ध हार गया था तो इसको सरेंडर करना पड़ा था। 1 अप्रैल 1946 ईस्वी को सेल्फ रूल प्रदान किया गया था, और फाइनली 15 अगस्त 1946 को ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बना था। इस तरह से जो हिस्ट्री है वो असम से एसोसिएट, उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसी के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये बिहार का नक्शा, इसमें नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, और ये उड़ीसा है जिसमें इसका कोस्टल एक स्टेट है, और वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो 1756 ईस्वी में बिहार बंगाल का हिस्सा बना था, जब ये टाइम है जब बैटल ऑफ प्लासी 1757 ईस्वी, तो उससे एक साल पहले 1756 ईस्वी में बिहार को बंगाल का हिस्सा बना दिया गया था, और 1803 ईस्वी में ही उड़ीसा पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। तो ये दो पीरियड है जो एसोसिएटेड है, और ईस्ट इंडिया कंपनी और इन दोनों रीजन के बारे में कि कभी ईस्ट इंडिया के अधीन आए थे। और 1 अप्रैल 1912 को जैसा डिस्कस्ट किया कि जब पार्टीशन को एनल कर दिया था हॉर्डिंग ने, उसके पश्चात बंगाल से बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया था, और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया था। ये डेट है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और फाइनली 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांतों का दर्जा दिया गया था। ये यहाँ पर 1 अप्रैल 1912 को अलग किया गया था, लेकिन अभी उनको दर्जा नहीं दिया गया था। और 1 अप्रैल 1936 को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसके पश्चात ही इनको अलग प्रांत के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। फाइनली 1946 यानी डिवीजन से पहले उनको स्वशासन यानी सेल्फ रूल दिया गया था, और 1947 से वो स्वतंत्र भारत का हिस्सा बने। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रांत आता है संयुक्त प्रांत, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, और फाइनली जो उत्तर प्रदेश के रूप में सामने उभर कर आया था। तो संयुक्त प्रांत को आगरा प्रेसिडेंसी जैसे डिस्कस किया, उन्हें 1834 ईस्वी में इसको आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था, और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 उसके तहत इसको गठित किया गया था। 1836 ईस्वी में जो आगरा प्रेसिडेंसी है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उसको एक अबोलिश कर दिया था, और फाइनली 1858 ईस्वी में ही अवध को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया था। इस तरीके से जो आगरा प्रेसिडेंसी है इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत या नॉर्थ प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, वो 1836 में अबोलिश कर गया था। फाइनली 1858 ईस्वी में जो इसका एक पार्ट हुआ करता था संयुक्त प्रांत का अवध रीजन, उसको ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया था। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो 1871 का टाइम होता है उसमें से इस पूरे जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है उसमें अजमेर, मेवाड़ और केकरी वाला रीजन है उसको कमिश्नरशिप दे दिया गया था। जब आगरा प्रेसिडेंसी का अबोलिश किया था 1836 ईस्वी में, उस समय जो उसका नाम बदलकर आगरा प्रेसिडेंसी तो अबोलिश कर रहे थे, लेकिन उत्तर पश्चिमी प्रांत के रूप में इसको जाना जाता था। वहीं पर ही 1858 ईस्वी में जब अवध को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया था, तो 1877 ईस्वी में इस अवध को भी उत्तर पश्चिमी प्रांत में विलय हो गया था। फाइनली 1902 में इसका पूरा नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के रूप में इसको जाना जाने लगा था। इस तरीके से जो 1836 में आगरा प्रेसिडेंसी को अबोलिश किया था उसका नाम बदलकर 1835 का एक्ट आया था, उसके तहत जैसे डिस्कस किया नाम बदल दिया था उत्तर पश्चिमी प्रांत, और फाइनली 1902 ईस्वी में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के रूप में इसको नामित किया गया था। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब बना था, तो ये 1902 ईस्वी में बना था। 1921 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का संयुक्त प्रांत के रूप में इसको जाना जाने लगा था, और फाइनली 1937 ईस्वी में
जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया 1935 का, उसके तहत इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत के रूप में रख दिया गया था और फाइनली 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। इस तरीके से जो हिस्ट्री एसोसिएटेड संयुक्त प्रांत है उसके बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोविंस के बारे में जान लेते हैं कि मध्य प्रांत और बेरार, जो कि इस समय आप मध्य प्रदेश के रूप में जानते हैं, तो ये प्रांत का गठन कब हुआ था और इसका रीजन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मध्य प्रांत और बेरार हुआ करता था, इसमें मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का पार्ट और उसमें से कुछ पार्ट बॉम्बे का भी, जो इस समय नागपुर वाला रीजन है, तो ये पार्ट इंक्लूड हुआ करता था। इसको सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता था। 1852 ईस्वी में नागपुर प्रांत का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया था 1852 ईस्वी में भी, और 1853 ईस्वी में नागपुर को औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत में इसको मिला लिया गया था। तो ये दोनों डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1861 ईस्वी की बात करते हैं, नागपुर का विलय सांगोर और नर्मदा प्रदेशों में हुआ था, जो वर्तमान जिले में सागर और ये वाला जबलपुर वाला रीजन है, यहाँ पर नागपुर को इस रीजन में मर्ज कर दिया गया था। और बाद में 1862 ईस्वी में जो ये पूरा रीजन है इसको मिलाकर मध्य प्रांत के रूप में जाना जाने लगा था। और 1903 ईस्वी में जो बिरार रीजन है वो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन इसको इंक्लूड किया गया था। फाइनली 1936 ईस्वी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसके पश्चात इस पूरे रीजन को मध्य प्रांत बिहार के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाने लगा था। और फाइनली 1947 ईस्वी को यह भारत का हिस्सा बना। इस तरीके से जो हिस्ट्री एसोसिएटेड मध्य प्रांत का बना बिहार, उसमें कब शामिल है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो प्रोविंस आता है ब्रिटिश इंडिया का, वो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पंजाब एक बहुत बड़ा रीजन था, इसमें इस समय जो ईस्टर्न पंजाब है वो बेसिकली भारत का पार्ट है। वही वेस्टर्न पंजाब की बात करते हैं तो इस समय पाकिस्तान का पार्ट है। तो ये एक पंजाब उस समय जो प्रोविंस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, इसका विस्तार इस तरीके से जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो चाइना से, यानी जो चाइना का लद्दाख तिब्बत रीजन है उससे टच हुआ करती थी, और वेस्टर्न जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान के पंजाब से टच हुआ करती थी। इस तरीके से पंजाब जो है 1849 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो कब्जा कर लिया गया था पंजाब पर, इस समय लॉर्ड डलहौजी का शासन हुआ करता था, और 1849 ईस्वी में ही पंजाब प्रांत का निर्माण किया गया था। जो सेकेंड एंग्लो पंजाब वार हुआ था उसके तहत 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटेन के आधिपत्य कर लिया गया था, और 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को इसको स्वशासन प्रदान किया गया था पंजाब को। और फाइनली जो 15 अगस्त 1947 है उसमें भारत जो पश्चिमी पंजाब भारत के हिस्से में आता है और पाकिस्तान में पूर्वी पंजाब का हिस्सा चला जाता है, इस तरीके से डिवीजन के अंतर्गत। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने कुछ और जो प्रोविंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके बारे में डिस्कस किया। आपके लेक्चर कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नॉलेज टीम को दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, साथ ही साथ नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।